हे गाइस, स्वागत है अनिल सराय के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एमसीक्यू टेस्ट और चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और इस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में 100 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में होगा 25 क्वेश्चन डिस्कस और अगले वीडियोज़ में 25-25 होंगे। तो इसका सीरीज 4 आने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का। अगर आपने पिछले चैप्टर का एमसीक्यूज और क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का क्लास नहीं देखे हैं, 4 क्लासेस हुए थे तो उसको भी लेट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो जल्दी देखिए। और इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे सभी एक एक मार्क्स के हैं और सभी NSQF लेवल 5 पर आधारित हैं। सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले साल का पेपर भी मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और वीडियो के अंत में हमें ये बताएगा कि आपका 25 में कितना प्रश्न सही है और कितना प्रश्न आप जानते थे, कितना प्रश्न आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। एक व्यापारी अपने उद्यम को लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमिता, नौत्यान, व्यापार, सेवा, वो कहलाता है उद्यमिता। उद्यमी की विशेषता क्या है? उद्यमी की विशेषता क्या है? मानवीय साधन, व्यवसाय की स्थिति, कम गतिशील, ये सभी उद्यमिता की विशेषता है सभी। एक अच्छे उद्यमी का कौन सा गुण है? पहल, अवसर पहचानने की क्षमता, जानकारी, या ये सभी जो है एक अच्छे उद्यमी के गुण हैं। IDBI बैंक का पूरा नाम क्या है? लघु उद्योग सेवा प्रतिष्ठान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक इंडिया, राज्य लघु उद्योग निगम बैंक। इसका जो आंसर है वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। उद्यमी की असफलता का क्या कारण है? अकुशल प्रबंधक, वित्त की कमी, ए और बी दोनों, उपरुक्त कोई नहीं। तो उद्यमी की असफलता के कारण है ऐसा मैनेजर जिसके पास कोई कुशल ना हो, कोई स्किल्स ना हो और वित्त की कमी, पैसे की कमी से उसका जो उद्यम है वो खत्म हो सकता है। 6 नंबर, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम SCP UP कब प्रारंभ किया गया था? तो 1972 में, 1985 में, 1986 में, 1980 में। शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में। स्वरोजगार से क्या लाभ है? अपना मालिक का हो, अपना स्वयं का मालिक होना, अपनी कार्यशैली का निर्धारण स्वयं करना, बेरोजगारी का समाधान, उपरोक्त सभी। स्वरोजगार मतलब होता है कि आप खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं या खुद का शॉप हो या जो भी हो, आपका खुद का हो जो बिजनेस हो तो उसके मालिक खुद ही होंगे और अपना जो कार्यशैली, आपके पास जो स्किल्स हैं उसी के पर काम करेंगे। और यही होगा कि आप एक शॉप खोलते हैं तो 2-3 आदमी को रख सकते हैं, अपने जॉब देने के लिए रख सकते हैं। इसमें शॉप बड़ा खोलते हैं तो 1-2 और लोग अधिक काम करेंगे तो बेरोजगारी 1-2 लोगों तक जॉब दिए ना, तो इससे समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, स्वरोजगार से सभी हैं जो लाभ है। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कौन योजनाएं बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं? तो दोनों अलग अलग अपने अपने नियम लगाते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। 9 नंबर है, स्वरोजगार से एक व्यक्ति पर कार्य बोझ घट जाता है या बढ़ जाता है या कार्य नहीं होता या ऊपर सभी। स्वरोजगार मतलब आप एक अपना शॉप खोलते हैं तो आपका कार्य का क्या होगा, बोझ बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा कार्य बोझ बढ़ जाता है। 10 नंबर है, इनमें से कौन स्वरोजगार के क्षेत्र हैं? फोटोग्राफी, बीमा एजेंट, नर्सरी या उपरुक्त सभी। तो नर्सरी जो है इनमें स्वरोजगार के क्षेत्र हैं। एक व्यक्ति जो अपने धन एवं कला से अपना रोजगार स्वयं चलाता है उसे क्या कहते हैं? स्वरोजगार, बेरोजगार, कार्यकर्ता या कर्मचारी। एक व्यक्ति जो अपने धन और कला से अपना रोजगार चलाता है उसे कहते हैं स्वरोजगार, ठीक है। 12 नंबर देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग का गठन कब हुआ था?
1955, 1999, 1975 या 1956। तो इसका जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था। नए उद्योग की उत्पत्ति किस से भरी होती है? और नया उद्योग खोलते हैं तो जो रोजगार से भरी रहती है या जोखिम से या मजदूर से या पूंजी से? तो नया जो उद्योग खोलेंगे जोखिम से भरी रहती है, पैसे की कमी तो कभी ये तो कभी कुछ जोखिम रहता ही है। ये भी है कि मान ली चला तो ठीक है, नहीं चला तो ये भी प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी है? निजी है, सार्वजनिक है, संयुक्त है या सभी है? मारुति उद्योग लिमिटेड ये किसी एक आदमी का पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल कंपनी है, ये किसी और की नहीं है, एक ही आदमी का है। उद्यमी किस प्रकार का निर्णय लेता है? उद्यमी मतलब एक आप मान लें बिजनेसमैन, आप एक अपना शॉप खोलें तो आप एक उद्यमी होंगे तो आप किस प्रकार के निर्णय ले सकेंगे? उद्यम का चयन कि किस तरह का बिजनेस करेंगे, किस तरह का उत्पाद बनाएंगे, किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे और स्थान निर्धारण मतलब कहाँ आप अपना बिजनेस खोलेंगे, ये सभी जो है एक उद्यमी का निर्णय लेता है, एक उद्यमी ही निर्णय ले सकता है। तो 16 उद्यमी प्रेरित होते हैं, उद्यमी कैसे प्रेरित होते हैं? उत्सुकता, नियंत्रण, चुनौती या ये सभी? और इसका जो आंसर वो ये सभी हैं, उद्यमी प्रेरित होते हैं ये सभी से। 17 नंबर है, उद्यमिता इनमें से कैसी प्रक्रिया है? उद्यमिता आयोजन, संगठन, प्रचालन या ये सभी? उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये सभी मिलेंगे, आयोजना, संगठन, प्रचालन ये सभी। किसी उत्पादन या व्यवसाय की डैश को उद्यम कहते हैं? जोखिम, अनिश्चितता, एक और दो, दोनों उपयुक्त कोई नहीं। किसी उत्पादन या व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता को उद्यम कहते हैं? व्यवसाय और कोई भी खोलेंगे तो जोखिम तो रहेगा और निश्चित तो नहीं है कि सक्सेस मिलेगी या इसे भी निश्चित नहीं है कि नहीं आपको आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है आंसर। 19 नंबर है, बाजार सर्वेक्षण एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा व्यापार में डैश जा सकता है, क्या है, कैसा? बाजार सर्वेक्षण से समझ सकते हैं कि बाजार में आप जाके अपने मान लीजिए जो खोलने वाले हैं, जो कोई शॉप खोलने वाला है आप, तो बाजार में जाके जांच करेंगे कि शॉप को कैसे चलाएंगे या क्या क्या सामान रखना है, तो उसके लिए सर्वेक्षण करेंगे आप, बाजार में घूमेंगे तो क्या होगा, जोखिम अधिकतम हो किया, जोखिम न्यूनतम किया, प्रतियोगिता को न्यूनतम किया या कर घटाया? अगर आप बाजार में सर्वेक्षण के लिए जाते हैं तो आपका क्या किया, ये इससे क्या लाभ हुआ, कि क्या जोखिम बढ़ गया या जोखिम घट गया, या प्रतियोगिता को न्यूनतम कर दिया या कर घटा दिया, कर मतलब जो टैक्स होता है वो घट गया, तो इसमें जो है जोखिम थोड़ा कम हो गया, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किससे प्रॉब्लम है, लोगों को क्या है, इसे आप जान सकते हैं, तो आपको क्या होगा, जोखिम जो होगा कम उठानी पड़ेगी। अब पहले ही पता कर लेंगे कि नहीं ये बिजनेस में प्रॉब्लम है तो आप वो बिजनेस ही नहीं करेंगे, अब प्रॉब्लम ज़्यादा है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे तो जोखिम नहीं होगा आपके लिए। तो ये रहा 19 का। अब 20 का देखते हैं, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? IDBI बैंक की स्थापना 1967 में, 1955 में, 1964 में या 1960 में, कब हुआ था IDBI बैंक की स्थापना? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। SIDBI से क्या अभिप्राय है? SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या भारतीय उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो देख सकते हैं पांच नाम है, पांच होना चाहिए ना, तो पांच है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है ये है इसका सही जवाब। 22 नंबर देते हैं, स्वरोजगार की आवश्यकता कब पड़ती है? स्वरोजगार मतलब खुद का बिजनेस कब आपको करनी पड़ेगी, जब रोजगार पाने में असफल हो, बेरोजगारी एक और दो दोनों या कोई नहीं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में अभी रोजगार किसी को नहीं मिल रहा था, सभी बेरोजगार हो गए थे, तो सभी ने धीरे धीरे लोगों ने अपना स्वरोजगार करने की कोशिश की, सभी अपना अपना रोजगार छोटा मोटा किए ताकि खुद का बिजनेस रहेगा, अब ये चाहे जब बंद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, रोजगार पाने में अगर सफल रहे तब आपको खोलना पड़ सकता है, और अब बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार तो खोलना पड़ेगा ताकि कुछ लोगों को और भी जॉब दे सके। सॉरी, इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है, ये यहाँ पे सी होगा, एक और दो दोनों, टाइपिंग मिस्टेक है। स्वरोजगार के क्या लाभ है? स्वरोजगार के लाभ क्या है?
एक उद्यमी स्वतंत्रता से अपना रोजगार चला सकता है, वह अपने परिश्रम से अधिक धन कमा सकता है, वह राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी को कम कर सकता है। उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी जो होगा स्वरोजगार के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वरोजगार की क्या हानियाँ होती है। बिजली की कमी से कार्य असफल होना, कच्चा माल समय पर न मिलने से कार्य पूरा न होना, अनुभवी कर्मचारियों के न होने से रोजगार में हीन, इनमें से सभी। तो स्वरोजगार की ये सारी कमियां हैं, हानियां हैं। कहेंगे देखिए, बिजली की कमी होगी तो आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपको जब काम करना है बिजली ही न रहे, लाइट ही कट जाए, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कच्चा माल आपको बाहर से लाना है तभी आपका माल बनेगा, तो कच्चा माल नहीं आता है टाइम से। लॉकडाउन में क्या हो गया, सारा सामान बाहर ही अटक गया, तो आपके यहाँ पहुँच नहीं पाए कच्चा माल भी, तो आप किसी को बेच नहीं पाए। अब अनुभवी कर्मचारी नहीं है आपके पास, तो इससे भी आपको जो अपना काम करेंगे वो भी क्या होगा, हानि होगी ना। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। शॉर्ट का पूरा अर्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग वीकनेस ओरिजिनल थ्रेट, या बी है स्ट्रेट वीकनेस अपोजिट थ्रेट, सी है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, या कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है सी। इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके आगे वाला हम क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे। तो इस सेशन में नीचे कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपका कितने सवाल का आंसर सही हुआ, और कितने सवाल का आंसर आप जानते थे पहले से, और कितने सवाल इसमें आप आसानी से कर पाए। ये वीडियो मैंने इसलिए फास्ट बनाया था कि इस चैप्टर को बहुत से लोगों में प्रॉब्लम हुआ, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते थे। अगले क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।